টানা তিন দিন ধরে হাওড়া জুট মিল গেটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছে জুট মিলের শ্রমিকরা। দীর্ঘ দু মাস ধরে হাওড়া জুট মিল বন্ধ হয়ে রয়েছে, কাজ হারিয়েছেন প্রায় 3 থেকে 4 হাজার শ্রমিক। এ নিয়ে বারবার বৈঠক করা সত্ত্বেও অচলাবস্থা কাটেনি ওই জুট মিলের। সোমবার সকালে জুট মিলের ভেতরে থাকা গোডাউনের মালিক ও শ্রমিকরা এসে জুট মিলের গেট খুলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলে বাধা দেন বিক্ষোভকারীরা। দুপক্ষের মধ্যে বচসার সৃষ্টি হয়। ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে পথ অবরোধ করে জুট মিলের ভেতরে ভাড়া নেওয়া গোডাউনের মালিক ও তার শ্রমিকরা। শিবপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জুট মিলের মালিকের উপরে চাপ সৃষ্টি করার জন্য এই অবস্থান বিক্ষোভ, এমনটাই দাবি জুট মিলের শ্রমিকদের। हमारा मिल का मालिक करोड़ों करोड़ों रुपया महीना मुनाफा कमा रहा है और हम लोग का कारखाना बंद करके रखा है, इसलिए उस कारखाने को हम लोग चाप देने की दृष्टि से वो हम लोग अपना गेट रोक के रखे। हम लोग कोई गोडाउन बंद करने नहीं गए, हम लोग मात्र अपना कारखाना का जो गेट है उसको हम लोग बंद करके रखना चाहते हैं। इससे हम लोग का मजदूरों का ये महसूस होता है कि मालिक के ऊपर एक तो चाप बनता है, और इसीलिए हम लोग ये कर रहे थे। अचानक जैसे हम लोगों के ऊपर आज हमला किया गया, अचानक आकर के जोर जबरदस्ती अंदर घुसने का कोशिश किया गया, ऐसा सिचुएशन पैदा किया गया ताकि कोई ऐसा बवाल हो और प्रशासन की तरफ से हमला हो। मगर हम धन्यवाद देते हैं प्रशासन, अभी तक ले यहाँ तक अभी कुछ किया नहीं है, और वो लोग बाद में जाकर के रास्ता जाम किया, गोडाउन के मालिक और उसका कुछ कंट्रेक्टर जाकर के रास्ता जाम किया। प्रशासन आया, वो लोग हटाने की व्यवस्था किया, और जो सामने है सिचुएशन आप लोग। आपका नाम?